स्वच्छता की दौड़ में पिछले 2 साल तक सुधार की राह पर चलने वाला चमोह शहर एक बार फिर पिछड़ गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू नगर निगम पिछले साल की तुलना में 30 कदम नीचे लुढ़क गया है। स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल मंदिरों के शहर की रैंकिंग को 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु नतीजे इसके विपरीत आए। जम्मू कश्मीर के अन्य शहरों की स्थिति भी इससे जुदा नजर नहीं आई। कचरा निस्तारण की ठोस नीति, जल निकासी, हर घर से कचरा उठाने के दावे धरे के धरे नजर आए। इसमें जम्मू की रैंकिंग और बिगड़ गई, तो वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जम्मू की स्वच्छता रैंकिंग 169 से लुढ़ककर 199 पर पहुंच गई। जम्मू शहर के लिए नारा दिया गया था, क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू, पर एक सवाल ये है कि कहाँ है वे साफ सुथरा जम्मू और साथ ही साथ हरा भरा जम्मू। जम्मू के इलाकों की बात करें जिनमें पंचतीर्थी, जेडीए पार्किंग, रघुनाथ बाजार, बस स्टैंड, अम्फला, जीवल चौक, कुमट बाजार, कच्ची छोनी इलाकों की ही बात की जाए तो ये सब जगहों के हालात एक ही जैसे हैं। ऐसा लगता है कि हर वार्ड का कहीं ना कहीं स्वागत जो है कचरा कर रहा है। जम्मू नगर निगम की तरफ से जगह जगह पर डस्टबिन लगाए गए हैं ताकि शहर को कचरा मुक्त बनाया जाए, परंतु उसके बावजूद भी गंदगी दिख ही जाती है और कई बार तो हालात ऐसे नजर आते हैं कि डस्टबिन की बजाय कूड़ा करकट जो है सड़क पर बिखरा हुआ नजर आता है। वहीं एक समस्या ये भी है कि इन बड़े बड़े डस्टबिन को सड़क के किनारों पर लगाया गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतें पेश आती है। कई बार जो है ये ट्रैफिक का भी कारण बन जाते हैं, बड़े बड़े जाम लग जाते हैं। पर सवाल वही है कि कब होगा क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू का नारा सच? क्या ये सिर्फ एक सपना रह जाएगा या जम्मू सच में जो है इस नारे को कभी सच कर पाएगा? कई ढेर सारे सवाल जो है जम्मू की तस्वीर देखकर उठते हुए नजर आते हैं। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा और देखते रहें द अर्थ न्यूज जम्मू कश्मीर की पल पल की अपडेट्स के लिए। द अर्थ न्यूज डेस्क से रोमी केतनी की रिपोर्ट, कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ।